जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में रविवार की सुबह 5 मिनट के गैप में हुए 2 विस्फोटों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने क्वाड कॉपर ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर आसमान से विस्फोटक गिराए हैं। खास बात यह है कि एयरबेस पर हमले के लिए ठीक वही तरीका अपनाया गया जो यमन में सक्रिय हूती विद्रोही भी अपनाते हैं। हूती विद्रोहियों के ड्रोन कई किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला करते हैं। यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा निशाना सऊदी अरब के हवाई ठिकाने होते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इन विद्रोहियों को ईरान की सहायता मिली हुई है। रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि हूती विद्रोहियों को हथियार, ड्रोन और दूसरे विस्फोटक सीधे ईरान सेना से मिल रहे हैं। इनके पास चीन में बने हुए ड्रोन भी पाए गए हैं, जिसे ये नजदीकी हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं। द नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हूती विद्रोहियों ने खुद की ड्रोन इंडस्ट्री बना रखी है। उन्हें सीमा पार कर और ईरान के ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे मिल रहे हैं, जिसकी रिजर्व इंजीनियरिंग कर वे ड्रोन को असेंबल करने और उसे घर में ही बनाने के गुर सीख रहे हैं। इन विद्रोहियों को ईरान तकनीकी सहायता और इंजीनियर भी मुहैया करवा रहा है, जिससे सामान्य ड्रोन को भी ये घातक हथियार में बदल रहे हैं। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के हूती मिलेशिया के सैन्य प्रवक्ता यहाया सराय के हवाले से बताया है कि 2020 में सऊदी अरब पर 267 बम से लदे ड्रोन हमले किए गए थे। इतना ही नहीं, इस आतंकी संगठन ने यमन के अंदर 180 ड्रोन हमले किए थे। सऊदी के नेतृत्व में कई देशों की सेनाएं हूती विद्रोहियों से लड़ रही हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों ने सऊदी अरब को परेशान कर रखा है। इस साल भी यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब पर लगातार ड्रोन हमले कर रहे हैं। 9 फरवरी 2021 को हूती विद्रोहियों ने दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए थे। इसमें वहां एक खड़े यात्री विमान में आग लग गई थी। उसी दिन सऊदी सेना ने हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।